Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर smart digital classes, computer lab, science lab, rich library, indoor and outdoor game, dance and music, art and craft, 24/7 backup security के साथ transport facility भी उपलब्ध है. Educated and experienced teachers, जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. नॉलेज इज पावर. वी गिव पावर टू योर चाइल्ड. वी आर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़. वी प्रोवाइड 360 डिग्री स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फॉर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स. स्पेशल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स. एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहाँ बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. लखनऊ से दिल्ली जा रही आजमगढ़ डिपो की चलती बस से उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के रघुरामपुर के पास कूदकर भाग रहे सरायमीर थाना क्षेत्र के सिजदी का पूरा रौजा गांव निवासी संदिग्ध जावेद अहमद की गिरफ्तारी होने से सरायमीर क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. एसपी उन्नाव की सूचना पर जिले की पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और जावेद का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है और पुलिस की छानबीन जारी है. उधर जावेद की गिरफ्तारी होने की सूचना से उसके परिवार सहित क्षेत्र के लोग सकते में हैं. जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के रौजा गांव निवासी जावेद अहमद उर्फ गुड्डू काफी दिनों से घर से बाहर रह रहा था. पुलिस के मुताबिक जावेद अहमद सरायमीर थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ सरायमीर थाने में 3, निजामाबाद थाने में 1 और वाराणसी कैंट थाने में 1 आपराधिक मुकदमा दर्ज है. पुलिस के मुताबिक यह शातिर किस्म का अपराधी है, अक्सर घर से बाहर रहता है. उसकी यहाँ पर कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है. घर पर मौजूद जावेद की बूढ़ी माँ सफीकुल निशा ने बताया कि नवंबर माह में बुलंदशहर में इस्तजमा में शामिल होने के लिए निकला था. माँ के मुताबिक वहीं से वह 4 माह की जमात के लिए निकला हुआ था. इस दौरान वह घूमकर मस्जिदों में धर्म से जुड़े लोगों को जानकारियां दे रहा था. माँ के अनुसार जावेद के गिरफ्तारी के विषय में गुरुवार की सुबह सरायमीर थाने की पुलिस द्वारा बताया गया कि वह उन्नाव जिले में बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया. हमारा जावेद लड़का जमात में 4 महीना से रहत रहे, घूम फिर जमात में रहत रहे और जमात में निकलें. 1 महीना से उनका दिमाग काम ना करत रहा, फिर भी हम लोग कहें कि दिमाग तुम्हारा काम नहीं, कहें हम जमात में जाएंगे और तो निकलें. और हम लोग को कुछ ना मालूम रास्ते में क्या भवा. क्या महीना पहले गए? 4 महीने. 4 महीना से निकले, 4 महीना जमात ही में रहत रहे जमात ही से, और फिर भी जमात में निकलें तो
कहीं एक महीना से उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई रही, फिर भी जमात में निकल गए। दिमाग उनका चलत ना रहा, फिर भी जमात में निकल गए। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि एसपी उन्नाव के जरिए जावेद अहमद के गिरफ्तार होने की सूचना मिली है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए जावेद का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और यह कई बार जेल भी जा चुका है। देखिए, जावेद अहमद के बारे में हमारे यहाँ से जानकारी की गई तो पता चला कि इस पे 8 क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस पे लूट के भी हैं, चोरी के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट में भी ये जेल जा चुका है, गुंडा भी इस पे लगा हुआ है और इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। देखिए, इस संबंध में वहाँ उन्नाव की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन लोगों ने इसके बारे में तहकीकात करने के लिए हमसे बोला था, मैंने उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली और भी मैंने इंटेलिजेंस को लगाया है इसमें कि इसके बारे में, इसकी गतिविधियों के बारे में और बताया जाए। आजमगढ़ में एक युवक ने छात्रा से उस समय बलात्कार करने की कोशिश की जब वह घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। छात्रा के चिल्लाने पर युवक फरार हो गया और सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। जानकारी के अनुसार जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 7 की छात्रा शुक्रवार को अपने घर से अकेले शौच के लिए निकली थी, तभी गांव के ही एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी की और बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद छात्रा चिल्लाने लगी, तभी गांव के लोग दौड़े तो युवक फरार हो गया। छात्रा ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ करने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में एसपी सिटी कमलेश बहादुर का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराकर जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। थाना मुबारकपुर में अवाव गांव में एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास और छेड़खानी की गई, सुबह की बात है, जिसमें मौके पर पुलिस गई और उसको गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल और कराया जा रहा है, उसके 167 का बयान कराया जाएगा, आगे की जो भी कार्रवाई है पूरी की जाएगी। हमारे लहू का असर देख लेना, कदम जीत लेंगे सफर देख लेना। जी हाँ, और आखिरकार यह उद्घोष सच ही साबित हुआ। विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर किया गया सफर व संघर्ष बेकार नहीं गया। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के बाद राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ ASU को अपनी हरी झंडी प्रदान कर दी। जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिलने से पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। विश्वविद्यालय अभियान व उसके कार्यक्रमों से जुड़े आंदोलनरत साथियों में हर्ष व गर्व की लहर दिखाई दे रही है। लगातार 64 दिन से चल रहा क्रमिक अनशन भी सफल हुआ। अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण ने कहा कि आजमगढ़ के लिए एक नया सवेरा हुआ है। बहुत बहुत खुशी हो रही, बहुत ऐतिहासिक दिन आजमगढ़ के इतिहास में है। एक नया सूर्योदय हो रहा है, एक नया सवेरा आजमगढ़ के लिए है और यहाँ के छात्र छात्राएँ अब गर्व के साथ ये कह सकेंगे कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय है और हम सब आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है। लगातार 4 साल से आप तमाम लोग, हम लोग के साथ जितने लोग हैं, लगातार हम लोग अभियान चला रहे थे और पिछले 18 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर ये घोषणा की कि आजमगढ़ में राज्य आवासीय विश्वविद्यालय दिया जाएगा और कल माननीय राज्यपाल महोदय का जो अध्यादेश जारी हुआ है, अब उससे ये पक्का हो गया है कि अब हम लोग के यहाँ विश्वविद्यालय आएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और यहाँ के युवाओं को और इस संघर्ष में लगे हुए जो तमाम हमारे साथीगण हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके अपना पसीना बहा करके पिछले 64 दिन अनशन का लगातार 24 घंटे यहाँ पर डटे रहे और उसके लिए आप सब मीडिया के बंधु भी बधाई के पात्र हैं। तो क्या अनशन अब क्या करेंगे, समापन? बिल्कुल, कल समापन होगा। अनशन कल अंतिम दिन है, हम लोग सबको आमंत्रित करेंगे, जितने लोग भी एक कदम भी चले आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर पिछले 4 साल में, उन सब लोग को आहूत किया जाएगा कि वह आएँ और इस ऐतिहासिक क्षण के भागीदारी बने।
आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर संघर्षरत रहे अभियान के साथी राकेश कुमार ने कहा कि आजमगढ़ की यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो जनपद की दशा व दिशा दोनों को बदल देगी। निश्चित रूप से ये आजमगढ़ के लिए गौरव की बात है। मैं तो समझता हूँ कि आजमगढ़ के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत है, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो पूरी हुई है। विश्वविद्यालय जैसा कि सर ने कहा कि कोई सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं होता है, ये तो आजमगढ़ की दिशा और दशा बदलने वाली मांग पूरी हुई है। निश्चित रूप से हम लोग बहुत खुशी हैं, आभारी हैं उन सब लोगों का, जनपदवासियों का, जो लगातार जो है 4 सालों से हम लोग साथ जुड़े रहे हैं, लगातार 64 दिनों के अनशन में हम लोग साथ जुड़े रहे हैं, वैचारिक रूप से या जिस किसी भी रूप से, जिस किसी ने भी एक कदम चला हम लोगों के साथ, सबको हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि 40 साल से जो मांग की जाती रही है और सारी सरकारों में अनदेखी की जाती रही है, उस मांग को समझा इन लोगों ने, आजमगढ़ की इस महती ज़रूरत को समझा है, तो निश्चित रूप से अनंत खुशी है, अपरंपार खुशी है। और मैं देख रहा हूँ कि आजमगढ़ की दिशा और दशा बदलती हुई दिख रही है। विश्वविद्यालय, राज्य आवासीय विश्वविद्यालय अगर एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह होता है तो आप सोच सकते हैं कि पूरी एक शैक्षणिक ऐसा माहौल बनेगा यहाँ कि जो हमारे भावी पीढ़ी है, जो युवा है, वो जो है आजमगढ़ की दिशा और दशा बदल लेंगे, उनका फ्यूचर बदल जाएगा। विश्वविद्यालय अभियान ने अपनी खुशी के इजहार में लोगों के बीच मिठाइयाँ बांटी, देश के भावी कर्णधार बच्चे का भी मुँह मीठा कराया। हाँ, ये अलग बात जरूर रही कि विश्वविद्यालय जिले में कहाँ स्थापित होगा, इसको लेकर अब तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने शुरू हो चले हैं। विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण का कहना था कि विश्वविद्यालय जनपद मुख्यालय की 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही बनना चाहिए। एक संभावना ये जताई जा रही है कि लालगंज में जा सकता है, लोकसभा में जा सकता है, तो इसके लिए भी क्या लड़ाई छिड़ी जाएगी? संभावना दुर्भाग्य आजमगढ़ का रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस जिले के विकास से ज़्यादा अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा है, वो चाहे PGI का स्थापना रही हो, वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रही हो, वो चाहे ट्रामा सेंटर की स्थापना रही हो, अगर ये सब स्ट्रक्चर जनपद मुख्यालय के आसपास होते तो उससे मुख्यालय का भी विकास होता और उन तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका भी डेवलपमेंट होता, तमाम यातायात के साधन, तमाम बाज़ार डेवलप होते, तमाम लोग को रोज़गार मिलता। आज बियाबान में 98% लोगों को मालूम नहीं है कि आजमगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, लोगों ने देखा नहीं बिल्डिंग, लोगों को PGI जाना पसंद नहीं है, ट्रामा सेंटर को जाना है। निश्चित रूप से हम लोग शुरू से मांग करते रहे हैं कि जनपद मुख्यालय के 10 किलोमीटर के भीतर भीतर ये आवासीय विश्वविद्यालय बनवाया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ की जो क्षेत्रफल है वो लालगंज से लेकर के लाठघाट तक है, इधर महाराजगंज से लेकर मुबारकपुर तक है, इसलिए जो केंद्र में बनेगा सबका हक है। लालगंज में अगर बनता है तो लालगंज से लाठघाट की दूरी 73 किलोमीटर है, लालगंज से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, वहाँ देने का मतलब क्या है? इसलिए जो लोग भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इसको लालगंज में या मार्टिनगंज में ले जाया जाए, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया, ये बहुत ही संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिला है आजमगढ़ को, कृपया अपने मोह के चक्कर में आप लाठघाट, महाराजगंज और मुबारकपुर के लोगों का हक मत छीनिए। आजमगढ़ विश्वविद्यालय पर सबका अधिकार है, दूर दराज के जो छात्र छात्राएँ हैं उन सब का अधिकार है, इसलिए ऐसी जगह बने जहां पे यातायात की सुविधाएं हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को ठेकमा ब्लॉक मुख्यालय पर शादी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख ठेकमा भूपेंद्र सिंह मुन्ना मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण व सहनाई की मधुर धुनों के बीच आयोजित हुए इस मांगलिक कार्यक्रम में कुल 22 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र सिंह ने वर वधु को आशीर्वाद देते हुए उनके सफल वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा वधु के खाते में 35,000 रुपये, सभी जोड़ों को घड़ी, श्रृंगार के सामान, मोबाइल फोन, अटैची, रसोई के सामान सहित कई उपहार भेंट किए गए हैं। वीडियो प्रेमचंद राय ने नवविवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र प्रदान किया, साथ ही उन्हें यह भी बताया कि इस प्रमाण पत्र को दिखाने पर रोजगार से जुड़ी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता प्राप्त होगी।
आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लॉक के कौरा गहनी में गुरुवार रात मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई नामचीन शायरों और कवियों ने अपनी शायरी और काव्य पाठ के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं प्रदेश सरकार की महिला कल्याण मंत्री डॉक्टर रीता भगोड़ा जोशी। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। कहा कि सरकार ने 1200 करोड़ की सुकन्या योजना महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की है, जो महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी अपने देश विदेश की बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि महिलाओं का स्थान समाज में और अलग अलग देशों में बेहतर हो रहा है। हम अपनी आवाज को बुलंद करने लगे हैं और हर सरकार पूरी दुनिया की संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर और महिलाओं के हक के लिए अलग अलग तरीके से प्रोग्राम बना रही है, कानून बना रही है और हिंदुस्तान और भारतवर्ष में खासतौर से जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वो कोई खुशी की बात नहीं। मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ, मेरी सरकार ने योगी सरकार ने बहुत योजनाएं महिलाओं के लिए दी है, जिसमें सबसे अच्छी है जो हमने अभी शुरू करी है 1200 करोड़ रुपया लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है सुकन्या योजना के नाम से। और इसमें हम भ्रूण हत्या को, बाल विवाह को, दहेज हत्या को लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन का धनराशि देंगे और 15,000 रुपए बच्ची को अलग अलग समय पर दिया जाएगा, ताकि परिवार ही ना सोचे कि बच्ची पढ़ रही है। तो लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत काम हो रहा है और हिंदुस्तान की लड़कियां तो बहुत आगे जा रही है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे देश के 25 करोड़ श्रमिक लाभान्वित होंगे। ये मुकद्दर का शादाब गुलशन भी गिराता है, सरापा ने मतों भी गिराता है। आज अगर पर तो देश के 25 करोड़ अगर पर देश में तो तकलीफ होती है, वतन पर मेरी बूढ़ी माँ का दामन भी गिराता है, वतन पर मेरी बूढ़ी माँ का दामन भी गिराता है। नौजवान मेरे हैं ऐसी हालत में प्रधानमंत्री सहयोगी के कानों तक आती रही है। दोस्तों ये नौजवान के लिए आए हैं, कल ये न क्यों लेकर फैसला है। मैं नौजवानों के हवाले से पेश करना चाहता हूँ, नौजवानों से बताती हूँ कि उनका क्या फर्ज है, उनकी क्या जिम्मेदारी है समाज के लिए। एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ, जब उनके सहारे की आवश्यकता होती है। उठो वतन की शान हो जाओ, इसके लिए उठो तुम वतन की शान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभया महिला संस्थान की ओर से समाज में विषम परिस्थितियों से लड़कर अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अभया सेवा सम्मान नगरपालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव, रंगकर्मी ममता पंडित, डॉक्टर शारदा सिंह, उषा शर्मा, डॉक्टर अलका सिंह, डॉक्टर पुष्पलता, डॉक्टर सीवी के साथ साथ सेना के शहीदों की पत्नियों बिंदु सिंह, शहीद सौदागर सिंह, अखिलेश यादव, मृत्युंजय सिंह के परिजनों और शहीद सिनोज की पत्नी के अतिरिक्त कुछ मेधावी छात्राओं को दिया गया। ये बच्चियां दिव्यांग हैं। सम्मान पाने वालों में मुस्कान दुबे, अलका मौर्या, तनु सोनी के हौसले की सभी ने सराहना किया। संस्था सचिव अनामिका सिंह ने इस अवसर पर सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सोनी पांडे, वंदना शाह, अलका श्रीवास्तव, गंगा मिश्रा, अनिता श्रीवास्तव, अंजू श्रीवास्तव, श्वेता सिंह, कंचन यादव, वैशाली, मंजू श्रीवास्तव, अनिता वर्मा, मंजू राय सहित कई अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।